जल्दी मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, आप चिंता मत कीजिए ना। अब सब आप सारी बातें आप सीख चुके हो तो दोस्तों अब जबरदस्ती पढ़ाऊं पे। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब YouTube से अलविदा कह देना चाहिए। हाँ, अब अंदर से है नहीं मन, वैसे मुझे पता है पढ़ाना छोड़ भी नहीं पाऊंगा, बट अब मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, बस ये। हेलो गाइस, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं चकाचक नितेश। गाइस, काफ़ी दिनों से कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास भी, जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया ये वीडियो बनाने के लिए। काफ़ी लोग यूट्यूब पर आते हैं, मैसेज करते हैं हमारे चैनल पर, कमेंट करते हैं, तरह तरह के वर्ड्स बोलते हैं, है ना, जिसकी वजह से कभी कभी मन उब जाता है यार कि अब क्या ही किया जाए। तो मैंने भी सोचा कि यार शायद मुझे भी अब ये प्लेटफॉर्म को जो है कि छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शायद लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, और इसी वजह से मैंने ये सोचा है कि अब बहुत जल्द मैं भी यूट्यूब को अलविदा कह दूंगा। गाइस, जैसा कि आप जानते ही हो कि काफ़ी दिन से देख रहे हैं कि आप कुमार गौरव सर को भी काफ़ी लोग ऐसे ही परेशान कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में केवल कमेंट करने में लगे हुए फालतू के। उधर आपके खान सर को भी परेशान करते हैं, राहुल देसवाल सर को परेशान करते हैं, जिसकी वजह से इन सभी ने निश्चय कर लिया है कि अब मन नहीं लगता, बस पढ़ा रहे हैं बस। क्योंकि जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हैं वो बहुत गलत बोलते हैं सभी टीचर्स को, है ना, गंदा गंदा वर्ड्स लिखोगे, हाँ, तो जिससे कहीं ना कहीं टीचर्स अपने आप को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट समझते हैं कि हम इतना जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, है ना। क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, कितना भी अच्छा देने की कोशिश करो, स्टूडेंट्स कमेंट्स में ऊट पटांग ही लिख कर जाता है, जिसकी वजह से कुमार गौरव सर ने भी इस चीज़ को कई बार कहा कि मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, खान सर ने भी कहा था कि यूट्यूब हम छोड़ देंगे, राहुल देसवाल सर को भी लोग परेशान कर रहे हैं, उनको तो टीचर परेशान करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने भी कहा कि हम यूट्यूब छोड़ देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं छोड़ने पर ये हो जाता है कि उन कुछ स्टूडेंट्स की वजह से बाकी के जो स्टूडेंट्स बचते हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए सर टिके रहते हैं कि कहीं मेरी वजह से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनकी ज़िंदगी ना ख़राब हो जाए। इस वजह से वो सभी की बातों को इग्नोर करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका इतना मन उब गया है आप लोग के कमेंट्स से, आप लोग इतना गंदा कमेंट्स करते हो कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग मेरे चैनल पर भी आके नहीं उठ पटांग लिखते हो, और मैं तो कोई बहुत वो नहीं हूँ, कौन सा, मैं तो एकदम तुच्छ प्राणी हूँ, लेकिन आप कुमार गौरव सर, राहुल देसवाल सर, खान सर, उनके चैनल पर जब जाकर ऐसे बात नहीं कह सकते हो, तो मुझे तो नहीं आप रोज़ कह सकते हो। इसी वजह से मैं उब गया है यार अब दिल, अब चल रहा है, जब तक चल रहा है चलने दो, लेकिन आप लोग से ज़रूर मैं एक बात तो प्रॉमिस करता हूँ कि जिस दिन खान सर, कुमार गौरव सर, राहुल देसवाल सर, जिस दिन ये लोग यूट्यूब छोड़ देंगे ना, उसके बाद से मेरे भी चैनल पर आपको एक भी वीडियो नहीं दिखेगी, ये प्रॉमिस है आप लोग से। चाहे तो आप लिखवा कर रख लीजिए इस बात को, जिस दिन इन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया उस दिन के बाद से मेरे चैनल पर भी आपको एक भी वीडियो नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए गाइज, मैं आप लोग से कहता हूँ कि जो चीज़ है उसकी कद्र करना सीखिए। कितना आप लोग कहते हैं कि नहीं, जो कमेंट्स होते हैं हेटर्स के उनको इग्नोर करो, यार कितना इग्नोर करें, बार बार अगर वो कमेंट्स सामने आता है तो कितना भी अपने आप को रोकने की कोशिश करो, बोलना पड़ जाता है, और ये सब आप लोगों की वजह से ही बोलना पड़ जाता है। भाई कितने बार इग्नोर किया जाए, हाँ कितने बार हम बात को इग्नोर करें, लोग पता नहीं क्या लिख कर चले जाते हैं। हाँ खैर, जो भी है, अब खुश रहो आप लोग भी, और हम भी जो है कि दिख ही रहा है हम कितना खुश हैं, और बहुत ही जल्द YouTube को हम अलविदा कहेंगे। बस इंतज़ार है, इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द आप लोग के स्टूडेंट्स के इसी तरह का प्यार रहा तो बहुत ही जल्द हम छोड़ देंगे, और क्या कहें। और एक बात और कहना चाहते हैं कि संडे को सुबह एक गीत और आ रहा है, उसमें एक स्टूडेंट की जब जॉब लगती है तो उससे पूछा गया कि आपको जॉब से पहले आपकी क्या इच्छाएं आपके दिमाग में चल रही थी, तो स्टूडेंट्स क्या कहता है, एक स्टूडेंट की जॉब लगने के बाद कि एक मैं छोटा सा गीत बनाया हूं, उसके मुखार बिंदुओं से वो क्या कहना चाहता है
वो एक गीत के माध्यम से मैं आप तक प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो वो संडे को सुबह सुबह 6 बजे आएगा जी हाँ, 12 दिसंबर को, तो सुन लीजिएगा। और हो सकता है कि वही गीत आपका आखिरी हो जाए, उसके बाद कोई गीत ना आए। तो बस और कुछ नहीं, बस यही था। बाकी इंतज़ार कीजिए, लेकिन बहुत जल्द। जो लोग सोच रहे हैं कि छोड़ देंगे, यार छोड़ देंगे, आपकी ही खुशी में हमारी खुशी। आप कह रहे हैं छोड़ देंगे, तो हम ज़रूर छोड़ देंगे, क्योंकि अगर आप ही नहीं खुश हो तो हम क्या करेंगे वीडियो बना करके, आपके लिए हम गीत लाते रहते हैं समय समय पर। जो आप ही नहीं पसंद करोगे तो फिर मेरा मतलब ही क्या है वीडियो बनाने का। मेरा तो मकसद है आपको वो चीज़ पसंद आनी चाहिए। जब आप ही को नहीं पसंद आएगा तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो बस बहुत जल्द हो सकता है नया साल भी ना आ पाए। खैर संडे को ज़रूर सुन लीजिएगा उस गीत को, बस यही कहना चाहता हूँ। बस और बस हो गया।